अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग मच बेटर। मेरी रिपोर्ट्स जो हैं, आप लोग में से बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो वो आज हाफ आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर आई विल शेयर विद माई डॉक्टर एंड इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि मुझे डॉक्टर ने क्या कहा है। खैर, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, विच इज़ सिंपल स्टेप्स टू डिवेलप अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ नेगेटिव लोगों को कैसे कोप करते हैं, उनसे दूर कैसे रहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ किस तरह गुजारते हैं, ऑन द अदर हैंड ये सारी चीज़ें शेयर की थी। बट ऑन द अदर हैंड आपका जो है ना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। सो उसके कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी शायद बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं। सो आई एम गेटिंग अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम यू ऑल। तो मुझे है कि चले मैं आज आप लोगों के साथ इस टॉपिक पर बात करती हूँ। पॉजिटिव अप्रोच रखना हम सबका काम है। अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो वी विल फेस सो मैनी थिंग्स। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, आई विल शेयर विद यू ऑल। तो आप लोग नोट कर लें या वीडियो को एक दो दफ़ा देख लें तो आप लोग को याद हो जाएंगे। स्टेप नंबर वन है, लाइक योर सेल्फ। देखें, हम उस वक्त तक पॉजिटिव हो ही नहीं सकते जब तक हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे। आई नो दुनिया में आपको बहुत से लोग मिलेंगे, बल्कि घर में भी मिल जाएंगे, जो कि आपको टॉन्ट करेंगे, टीज करेंगे, मोटी हो पतली हो, ये चीज़ प्रॉब्लम है तुम में, वो चीज़ प्रॉब्लम है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना कोई खूबी दी होती है, और हर इंसान जो है ना वो कोई ना कोई खूबी लेके पैदा होता है। सो अल्लाह की ज़ात हम इंसानों से बहुत बेहतर जानती है कि कौन कितना अच्छा है। तो वो अल्लाह के नज़दीक हमने अच्छा होना है और अपने आप से मोहब्बत करनी है। अल्लाह ने हमें बनाया है, किसी मकसद के तहत बनाया है। तो इस लोगों की बातों को बिल्कुल छोड़ दें, लव योर सेल्फ, अपने आप से मोहब्बत करें। आप जैसे भी हैं, जिस तरह का भी कॉम्प्लेक्शन है, मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, बहुत से मैसेजेस आते हैं मैं मोटी, मैं भी बिल्कुल पतली नहीं हूँ। बट द थिंग इज कि अब एक चीज़ है तो है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। हाँ, कोशिश कर सकती हूँ, उसके बाद अगर कोई बोलता है तो बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, एंड लव योर सेल्फ। स्टेप नंबर टू है, डोंट लेट थिंग्स गेट टू यू। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि आपको दुनिया में हर जगह पे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको पर्सनल टॉन्ट करेंगे, तो उसमें आपने आपने एक कान से सुनना है, दूसरे से निकालना है, एक बड़ी अच्छी सी स्माइल बंदे को दे देनी है एंड वहाँ से उठ के चले जाना है। देखिए, वो बंदा चाहेगा कि आप उससे बहस करें, आप उससे आर्ग्यूमेंट्स करें, तो आपने क्या करना है, अपना मेंटल पीस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। और ऐसे बंदे से बहस करने से बेहतर है कि आप उठें और अपनी वो जगह ही छोड़ दें। उससे होता क्या है कि वो तो आपने उनके लेवल पे तो नहीं आ रहे ना। लेट देम से वट एवर दे वॉन्ट टू से, बस आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। हाँ, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक चीज़ के लिए मीन्स सोचे ना, बट ट्राई करें कि ऐसे लोगों के साथ एक स्माइल दे के उठ जाना ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप उनके साथ जो है बहस करें, अपना मूड ऑफ करें, नेगेटिव बने, क्योंकि वो लोग नेगेटिव ही हैं, दे कैन नॉट चेंज। सो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखें, एंड दुनिया की ना ये सारी बातें एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, वो कहते हैं चिकने गड़े बन जाए। स्टेप नंबर थ्री है, बी काइंड टू अदर्स। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँ, जैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्थनों के लिए एक हेल्पर रख ली है। अगर वो बच्ची मुझे कहती है, या लड़की है, शी इज़ मैरिड गर्ल, शी सेज के आई एम नॉट फीलिंग वेल बाजी, शाम को अगर मैं नहीं आती तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी जो हेल्पर है वो शी कम्स फॉर बर्तन एंड चपाती। तो मैं अब ये कहूँ नहीं, शाम को चपाती बनानी है तुमने, आई वॉज़ लाइक ओके फाइन, तुम अभी ही जो सारी चपाती वो बना दो जितनी भी है, और जो बच गई वो हम कल खा लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, तुम आज रेस्ट कर। यू नो, बी, जब आप किसी के साथ इतने अच्छा रवैया रखेंगे ना, तो वो बंदा दूसरा आगे बढ़ के आपकी और हेल्प करेगा, कि जैसे आज आपने उसकी हेल्प कर दी है, कल वो आपकी करेगा। तो गिव एंड टेक होती है ज़िंदगी, और अल्लाह के लिए ना दूसरों को ये समझना चाहिए कि ये भी इंसान है, समटाइम्स दे नीड हेल्प। और दूसरों के साथ मोस्टली ऐसे लोगों में हमारे जो है ना हेल्पर्स आ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ काइंड रहें। समटाइम्स मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ससुराल में कोई बात करता है, वो गुस्सा अपने बच्चों पे निकालते हैं,
बाहर कोई कुछ कहता है वो गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं। मैंने इवन हस्बैंड्स को देखा है बाहर जो है वो किसी को कुछ कह नहीं पाते, घर आके वो बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं, बीवी पे निकाल रहे हैं। सो अगर आप लोग मर्द हजरात भी मेरा ये देख रहे हैं तो प्लीज बी काइंड टू अदर्स, दूसरे इंसान को भी इंसान समझें। एंड बिलीव मी, आपको इतनी खुशी होगी ना जब आप किसी की एक छोटी सी हेल्प कर देंगे, एक लाइक आप दिन का एक बना लें कि आज मुझे जाना एक बहुत अच्छा स्टेप लेना है, सुबह उठ के ये दिमाग में रख लें, एंड जब वो अचीव हो जाता है तो बिलीव मी यू विल फील सो गुड। सो बी काइंड टू अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बीट योर सेल्फ अप। इसका मतलब क्या है कि अपनी जो पुरानी बातें होती हैं, अपने फेलियर्स होते हैं या अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको रैपिडली अपने दिमाग में हम रखते रहते हैं और हम मूव ऑन नहीं करते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, और उससे होता क्या है कि उनकी ना मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। वो जैसे शादी के शुरू की चीज़ों को बार बार मींस अपने हस्बैंड के सामने रिपीट करते हैं, या बहुत सारी लड़कियां बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर आई होती हैं ससुराल में जाएंगे तो ये होगा ससुराल में, कभी इफ दिस इज रियलिटी कि आपको किसी बहुत कहते हैं ना आला स्टेज पे नहीं बिठा दिया जाता, आपको वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे बस यू आर हेयर टू वर्क। This is the reality. मैं किसी को negate नहीं कर रही ससुरालों के खिलाफ, but this is reality. ये सब जगहों पे होता है, हर जगह पे होता है, हमारे पाकिस्तान इंडिया में तो होता ही होता है, बाहर जगहों का मुझे इतना नहीं पता कि वो समझते हैं बस आ गई है बेटे ने दे दी है और ये जो है ना बस अभी हमारे घर के सारे काम करेगी। एंड ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ भी हो चुका है। मेरी शादी के चौथे दिन आई वॉज इन द किचन और मैं सबसे छोटी थी अपने बहन भाइयों में, मैंने कभी किचन में काम ही नहीं किया था और सब कुछ मेरे पर डिपेंडेबल हो गया था। तो वो चीजें, एक चीज मैं सिर्फ आपको बता रही हूं, लेकिन वो चीज गुजर गई सालों पहले। अब उस चीज को मैं रोती रहूं, सोचती रहूं, उससे क्या होगा, मेरी जिंदगी खराब होगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चीज वो कर चुके हैं, वो हो चुकी है, वो जिस तरह से भी है वो हो चुकी है, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। सो बेहतर क्या है, मूव ऑन। आप कोई भी अगर कभी कुछ हुआ है आपकी जिंदगी में उसको लेके ना ढोल ना पीटते रहें कि इस तरह हुआ था मेरे साथ, या मैं तो इसके काबिल नहीं थी, या ये चीज मेरे, आप अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। बिलीव मी, लाइक मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ कि मुझे खाना नहीं बनाना आता था एंड मैंने इस पर बहुत सारी बातें भी सुनी। नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। अब मैं जो खाना बनाती हूँ वो मेरी पूरी ससुराल में कोई नहीं बनाता, क्या बना ही नहीं सकता। द थिंग इज ये नहीं कि मैं जो है वो, मैंने उस चीज को कि लाइक ओके फाइन यू थिंक दैट आई कैन नॉट कुक बट आई कैन कुक एंड आई स्टार्ट लर्निंग। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, पीपल मेरी ससुराल में भी बहुत से लोग मेरे जो है वो व्लॉग देखते हैं, बाहर भी बहुत से लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, एवरी आप लोग भी सब देखते हैं। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है ना कि मुझे कुछ पकाना नहीं आता है, कुछ करना नहीं आता। तो वो ये है कि शुरू में ऑफकोर्स आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, ये एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उस चीज को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली। ओके फाइन, आई विल प्रूव यू रॉन्ग। ये बात याद रखिएगा, आप अगर यही चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे ना तो आपका माइंड सेट इतना कूल होगा कि ओके अगर आप लोगों को लगता है ये चीज़ मैं नहीं कर सकती या ये मेरा फेलियर था कभी, तो अभी मैं आपको वो चीज़ करके दिखाऊंगी। सो अपने फेलियर्स को ना, उसको ढंडोरा नहीं मतलब उसको दिमाग में ना पीटते रहें, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, उसको कोप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है बी रिजिलियंट। इसका मतलब क्या है, जैसे बहुत से लोग होते हैं आपको किसी ने डांट दिया, आपको किसी ने कोई चीज़ बोल दी तो वो उसको पूरा दिन माइंड में रखते रहेंगे। नो, स्टॉप इट हियर। आप सिंपल क्या करें, उस चीज को अपने दिमाग से किक आउट कर दें कि नहीं जी बस हुआ है, बाउंस बैक करें, वापस आए अपनी कामों की तरफ, वापस आए, वापस अपने गोल्स की तरफ आए, वापस अपनी रियलिटीज की तरफ आए। किसी के कुछ कह देने से आपकी जिंदगी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, आपको सब कुछ वहीं झाड़ झूड़ के तो बाहर वापस निकलना है उस सिचुएशन से। अगर आप उसी चीज को माइंड में रखेंगे तो क्या होगा, आप अपने बच्चों को डांटते रहेंगे, आप घर के कोई काम नहीं कर पाएंगी। जब मेंटली आप इतनी स्ट्रेस में हो तो आप कोई काम कर पाएंगी? नो, आपको उस चीज से निकल के विद इन ट्राई करें कि किसी ने अगर कुछ कहा है ना उसको प्रोलोंग ही ना होने दें।
उसको ट्राई करें, उधर ही स्टॉप करें और उसके बाद अपनी वापस लाइफ स्टार्ट करें. उसको वहीं कहते हैं ना, झाड़ के छोड़ के तो मूव ऑन करें और अपने उन गोल्स की तरफ जाएं. जैसे कि दिन का आपने प्लान बना दिया, पॉजिटिव रहा करें, सुबह उठे दिन का प्लान बनाए, आज मैंने ये काम करना है. मैं रात को प्लान बना लेती हूँ कि मैंने कल क्या करना है, वीक का मैं अलग प्लान बनाती हूँ कि मैंने क्या करना है. तो उससे ये होता है कि आपका माइंड ना नेगेटिविटी इन चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं और आप एक बड़ी हैप्पी. और रात को सोचें, जब मैं वो सारी चीज़ों पर टिक लगा रही थी, कभी मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगी कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, बिलीव मी नेक्स्ट मैं रात को इतनी खुश होती हूँ मैंने सारे गोल्स अचीव कर लिए और जो रह जाता है वो एक आध होता है वो मैं नेक्स्ट डे के लिए रख लेती हूँ. तो एक चीज़ को ना अपने माइंड में बार बार रिपीट मत किया करें. नेक्स्ट पॉइंट इज सेट रीचेबल गोल्स. मतलब क्या है इसका कि हम ना बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखना शुरू कर देते हैं. आप कोई काम शुरू किया नहीं होता उसके लिए इतना बड़ा ड्रीम, जैसे आप बहुत से लोग हैं जो नए नए यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, दे थिंक के जैसे ही यूट्यूब स्टार्ट होगा उसके बाद जी अगले दिन ही हम वायरल हो जाएंगे और उसके बाद जी हम मिलियंस कमाना शुरू हो जाएंगे. ये एक मिसाल मैंने दी है जो कि इम्पॉसिबल बात है. ठीक है, इस तरह नहीं होता. आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है. बहुत बड़े बड़े गोल्स अपने आप को मत दें, छोटे छोटे गोल्स दें. जैसे मैं एक हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, आज आपने अपने आप को एक गोल दिया है कि मैंने आज अपने किचन का कैबिनेट साफ करना है. इंस्टेड मैंने आज अपना पूरा किचन साफ करके देना है, सब कुछ डिक्लटर कर देना है, दीवारें साफ कर देनी है, कैबिनेट साफ कर देना है, शेल्फ साफ कर देनी है. और क्या होगा, आप इतने टायर्ड हो जाएंगे अगर आप एक ही दिन में इतना बड़ा गोल अपने लिए रख लेंगे. नो, इंस्टेड छोटा गोल रखें. आज डिवाइड कर लें दिन को. आज मैंने किचन काउंटर तो देखें डेली साफ होता, आज मैंने अपनी पूरी जो बेकिंग वाली शेल्फ है उसको पूरा साफ करना है, निकालना है, उसमें से जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, जो मैंने बहुत अरसा हो गया मैंने इस्तेमाल नहीं की उसको मैं फेंक दूंगी. जितनी चीज़ें फेंकेंगे उतनी ज़िंदगी आसान होगी. जो चीज़ आपने 6 महीने इस्तेमाल नहीं की वो कभी नहीं इस्तेमाल होगी दोबारा. सो खैर, ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि ज़िंदगी में छोटे गोल्स रखा करें कि जी मैंने अपने आप में जो पॉजिटिविटी लेकर आनी है या कोई चीज़ जो मैंने अचीव करना है कोई गोल, तो वो छोटा हो तो उससे आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, ना कि आप एक बहुत बड़ा गोल रखें. आप आपका बच्चा है वो एक एवरेज बच्चा है, आप ये कहें दिल में वो करें तहैया, एक छोटा सा गोल रखें कि मैंने अपने बच्चे को, अगर मेरा बच्चा क्लास में 10th नंबर पे आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगी कि इस दफ़ा वो 8th नंबर पे आए. ठीक है, ये नहीं कि मैंने अपने बच्चे को फर्स्ट लेकर आना है और उसमें मैं स्ट्रेस में रहूं, मैं बच्चा भी स्ट्रेस में रखूं, मार पिट के कुट के उसको पढ़ाती रहूं. नहीं, ऐसा मत करें. छोटे गोल्स रखें, ऐसे गोल्स जो रीचेबल हों, ऐसे गोल्स जो आपके बस में हों, जिसे करना आप रियलिस्टिक हों. उसके बाद क्या होता है, जब आप गोल को अचीव कर लेते हैं आपको इतनी खुशी होती है. इसी तरह पूरा किचन साफ करने से बेहतर है आप एक एक कैबिनेट डेली रात को लिख लिया करें, कल मैंने ये गोल है मेरे. जैसे मैंने कल अपनी किचन की कैबिनेट साफ करनी है, कल मैंने अपने साइड टेबल को साफ करना है, उसको डीक्लटर करना है. ये एक छोटे से हाउसवाइफ के गोल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. तो जिंदगी में भी ना बहुत बड़े बड़े गोल्स मत रखें जो कि रियलिस्टिक ही ना हो. और उसके बाद क्या होता है, आपका मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिब्रेट योर अचीवमेंट. जैसे आपने गोल आज रखा, फर्ज कर ले मैंने गोल रखा कि आई विल रिड्यूस 5 kgs और ये ऐसा हुआ है, आई विल रिड्यूस 5 kgs एंड मेरा वेट ना फ्लक्चुएट होता है बिकॉज ऑफ द शुगर, मेरी बॉडी स्वेल कर जाती है. लेकिन इससे पहले यह था, अभी मैंने दोबारा से, क्योंकि मेरी खानदान में बहुत सी शादियाँ आ रही हैं, मैंने वेट रिड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या है अगर मैं रख लेती हूँ कि मैंने, ये नहीं कि मैंने जी बिल्कुल 25 किलो कम कर देना, नहीं, आई विल सेट अ टारगेट कि इस महीने मैंने 5 kgs कम करना है पूरे महीने में. और जब मैं वो गोल अचीव कर लूँगी सो आई विल सेलिब्रेट. सेलिब्रेट कैसे करना है कि केक ना ला के काटना शुरू कर देना है. मैंने अपने लिए बहुत अच्छा सा सूट खरीदना है जिससे मेरा दिल खुश हो, जिससे मैं खुश हूँ कि हाँ जी अब मैं जब इसको स्टिच करा के पहनूंगी आई विल लुक स्लिम. ये चीज़ आपके बच्चे ने 10th पोजीशन से 8th पे आप उसको ले आई, सेलिब्रेट दैट.
उस यानी कि जो आपके बच्चे की फेवरेट चीज़ है, या तो वो उसको पका के दें या उसकी फेवरेट टॉय उसको खरीद के दे दें, तो क्या होता है उससे आपको एक बहुत खुशी मिलती है, एक जो मेंटल स्ट्रेस वाली लाइफ है ना, उससे आप एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाती है, आपका माइंड सेट चेंज होना शुरू हो जाता है, आप चीज़ों को अच्छे, जब आप सिर्फ करेंगे अच्छा मैंने ये गोल अचीव कर लिया अब मैं दोबारा दूसरा करूँगी, तो उससे क्या होगा आप थकना शुरू हो जाएंगे, तो जब आप पॉज देंगे, अचीव करेंगे अपने लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, देखिए आपकी प्रायोरिटी आप, आपके हस्बैंड, आपके बच्चा, आपका घर है, ये आपकी दुनिया ना अभी इसी अराउंड घूमती है, यंग गर्ल्स भी होती हैं उनकी भी दुनिया इसी अराउंड मींस होती है, द थिंग इज आपने जब गोल अचीव कर लिया तो फिर उसको सेलिब्रेट करें, मतलब अपने आप की खुशी के लिए, एंड सीरियसली अगर आप ऐसा करेंगे ना यू विल फील सो गुड. नेक्स्ट पॉइंट है लेट द पास्ट गो एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट. हम क्या करते हैं, हम पास्ट को लेके वही जो मैंने आपको बताया रैपिडली ना वो अपने दिमाग में रखते हैं, और शुरू शुरू में शादी के ना बहुत सारे गोल्स लेके लड़कियां आती हैं, बहुत से दिमाग में ख्वाब लेकर आती हैं, और वो जब पूरे नहीं होते तो फिर वो रैपिडली उन चीज़ों को कर बोलती रहती, बोलती ये भी नहीं हुआ मेरे साथ, ये भी नहीं हुआ, फलाने ये किया, डिमकाने ये किया. देखिए अगर उस चीज़ को आप लेके बैठी रहेंगी ना दिमाग में, या मैं फलां शादी पे गई उसने मुझे ये बोल दिया, अब मैं घर आऊँगी तो 5 दिन मैं वही चीज़ सोचती रहूँगी, या मैं जॉब प्लेस पे हूँ फलाने मुझे मेरे हेड ने मुझे डांट दिया, मेरी कुलीग ने मुझ पर टॉन्ट कर दिया, किसी ने मुझे कह दिया तुम अच्छी नहीं लग रही, किसी ने मुझे कहा तुम मोटी लग रही हो, तो फिर मैं उसको सारा दिन सोचूंगी, मैं घर में भी आके सोचूंगी, स्ट्रेस में भी रहूंगी, हस्बैंड पे भी गुस्सा करूंगी, बच्चों पे भी गुस्सा करूंगी, और उससे क्या होगा कि वो चीज़ तो मैं पकड़ के बैठ गई, मैंने तो उसको लेट गो किया ही नहीं, और फिर मैं पास्ट में ही बैठी हुई हूँ. सो चीज़ों को ना लेट गो करना शुरू कर दें, और उसके बाद जब आप प्रेजेंट में, आज का दिन है आपके लिए, आज का दिन है जिसको आपने अच्छा बनाना है, कल जो हो गया बिल्कुल उसको ख़त्म कर दें, उसको अपने माइंड से निकाल दें, आज का दिन है और आज अगर आप अपना अच्छा बनाएंगे तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होगा. सो ये पॉइंट्स जो है ना मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये इतने काम के पॉइंट्स हैं, जब आपकी अपनी फैमिली अपने माइंड में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगी यू विल फील सो फ्रेश. नेक्स्ट पॉइंट इज बी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ. देखिए परेशानियाँ हर एक की ज़िंदगी में है, दुख हर एक की ज़िंदगी में, कोई ना कोई कमी हर एक की ज़िंदगी में, बट अगर हम उन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल नॉर्मल बनाया है, अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों को नॉर्मल बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छी ज़िंदगी दी है, जैसी भी दी है, थोड़ा है ज़्यादा है, सब कुछ अल्लाह ताला हर चीज़ में आपको आजमाता ज़रूर है, तो उसमें हर चीज़ में ना खुश रहा करें, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें. उससे होगा क्या कि आपकी जो नेगेटिव वाइब्स आपकी आपको मिल रही होती हैं, या आप अपने आप में खुद क्रिएट, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन वो चीज़ हमारे हमारा माइंड जो है ना उसको नेगेटिव करके बहुत बड़ा कर देता है. तो हर चीज़ में ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करें. एक तो नमाज बहुत ज़रूरी है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने जब से नमाज पढ़नी शुरू की है ना तो मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ना मुझे फील होता है नो इट्स नॉट दैट वर्थ कि मैं अपनी एनर्जीज इस पे ज़ाया करूँ, इससे बेहतर है कि मैं पॉजिटिविटी की तरफ जाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल, और स्पेशली जब आप कहीं जाते हैं आप लोगों को देखते हैं जिनको बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको बीमारियाँ हैं, तब आप अल्लाह का और शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी आजमाइशों से बचाया है. स्पेशली जो औरतें ख़वातीन आपके घर में काम करती हैं, आप उनसे ना उनकी, ये नहीं कि उनको लाए बुलाया काम कराया और रवाना करती हैं, उनसे ना उनकी लाइफ स्टोरी सुना करें, बिलीव मी उसके बाद आपको इतना आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे. और अल्लाह मुझे ये चीज़ सोच के भी ना इतनी, यानी कि एक अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला फिर आपको वसीला बना देता है उसकी हेल्प करने के लिए. तो कितनी बड़ी बात है ना कि अल्लाह ने आपको वसीला बनाया कि आप उसकी हेल्प करें. कोई बात नहीं है, उनके लिए 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा बहुत बड़ी चीज़ होता है, उनके बच्चों की एक महीने की फ़ीस दे दें, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो क्या होता है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार आपने मुझे इतना दिया है कि आज मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ. तो खुश रहा करें अपने घर पे, अपनी ज़िंदगी पे. मुझे बहुत से मैसेज आते हैं मेरे पास घर ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप ये चीज़ दिखा रही हैं. देखिए मैं ना वो दैट इज़ माई लाइफ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो आपके पास जो है ना उसमें शुक्र अदा करना सीखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और नीयत हमेशा साफ रखें. अल्लाह आपको आपकी नीयत के बेस पे देता है. शुक्र अदा करें अल्लाह का, अल्लाह ताला सारी आसानियां आपके लिए पैदा कर लेगा.
नेक्स्ट पॉइंट इज नमाज. देखिए सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन सिर्फ अल्लाह की इबादत जो है वो एक तरफ है, और जिसका हम पे फ़र्ज़ है, हमें हुक्म दिया गया है. मैं नमाज नहीं पढ़ती थी इतनी रेगुलर, मैं बहुत रेयरली पढ़ती थी अप एंड डाउन, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं सिपारा भी पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने सामने खड़ा करना नसीब किया. ठीक है, सो नमाज मत छोड़ें. कुछ भी हो जाए, यहाँ से वहाँ हो जाए दुनिया ना, आपने नमाज नहीं छोड़नी. कहीं पर भी हो, रास्ते में भी हो, मैं तो गाड़ी में पढ़ लेती हूँ, ट्रैवल करी, इवन मैंने जहाज़ में भी, मुझे था इशराक की भी पढ़ी मैंने, मैंने चाश्त भी पढ़ा. आपने नमाज नहीं छोड़नी. जब आप अल्लाह की रस्सी को थामे रखोगे ना, तो अल्लाह आपके लिए बहुत बहुत, एक तो ना आप जब सजदे में जाते हो ना, तो आपको फील होता है सारी नेगेटिविटी निकल गई जिस्म से, आपको इतना बेटर फील होने लगता है ना. तो नमाज आप नहीं छोड़ेंगे, आपने नमाज, कुरान, ये जो दो चीज़ें हैं ना, उनको आपने अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालना. जब आप अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनेंगे, तो अब मैं एक बात बताऊँ, आपको दुनिया की मिसालें अपने बच्चों को देने नहीं पड़ेंगी, आप अपने बच्चों के लिए खुद मिसाल बनेंगे. आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, जो हम सब पे फ़र्ज़ है. बिलीव मी, आपको जो पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी ना, हर नमाज के बीच में अगर कुछ कोई कुछ कह भी देता है ना, आप उठ के नमाज पढ़ने के लिए चले जाया करें. ध्यान ही मत दिया करें ऐसे नेगेटिविटी को. बिलीव मी, यू विल फील सो पॉजिटिव. आपका माइंड इतना फ्रेश होगा, आपको सिर्फ जल्दी होगी कि मैंने जोहर की नमाज पढ़नी है, मैंने असर की नमाज पढ़ी. आपके दिमाग में सिर्फ नमाज चलेगी, किसी की कोई एक्स्ट्रा बात ही नहीं चलेगी. हाँ जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सराउंड योर सेल्फ विद अदर पॉजिटिव थिंकर्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर नमाज. देखिए हमारे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मेरी जो है ना गिनी चुनी कुछ ही फ्रेंड्स हैं, और ये नहीं है कि मेरी फ्रेंड्स नहीं थी. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे भी भरी हुई होंगी, फेसबुक पे भी भरी हुई हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं. बट याद रखें, एवरी वन इज़ नॉट योर फ्रेंड. जब आप इतने साल गुजार लेते हैं ना, तो आपको पता होता है कि ये भी मेरी, ये सिर्फ गिनी चुनी कुछ ख्वातीन होती हैं या कुछ फ्रेंड्स होते हैं मर्दों के, जो कि उनके बहुत क्लोज होते हैं. अगर आप उनसे 5 साल बाद भी बात करेंगे ना, तो आपको फील नहीं होगा दैट यू आर टॉकिंग टू द पर्सन आफ्टर 5 ईयर्स. आपको फील होगा कि ओके, शी इज़ द वन, शी लव्स मी, लाइक आई लव हर. ऐसी फ्रेंड्स को अपने पास रखिए जो पॉजिटिव हैं, जो आपके लिए उनकी नीयत बहुत साफ है. जैसे मैंने आपको बताया, एवरी वन इज़ नॉट योर फ्रेंड. तो ऐसे लोगों को, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो सिबलिंग्स में, आपके बहन भाइयों में, आपको फील हो जाता है ये मेरी बहन मेरे से सिंसियर है, ये मेरी बहन जो है ना मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे दुख दर्द में मेरे साथ होती है. और माँ की तो ज़ात में क्या बताऊँ, सीरियसली व्हेनेवर आई एम अपसेट आई कॉल माई मदर एंड शी इज़ ऑलवेज देयर. यू नो, माँ की आवाज़ सिर्फ सुन लेने से ना आपका आधी टेंशन रिलीज हो जाती है. तो इसी तरह यू हैव नो आइडिया, मेरे बच्चे अपनी एक एक बात, आपको यकीन नहीं आएगा, एक एक बात, दे आर टीनेजर्स माशाल्लाह, दे आर ग्रोन अप्स ना, बट वो मुझे अपनी एक एक बात, चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे वो परेशानी की बात हो, वो आके मुझे बताते हैं. और फिर क्योंकि उनको पता है कि माई मदर इज़ द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो कि एक प्योर रिश्ता जो होता है ना माँ का औलाद के साथ होता है, तो अपनी कोई पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, आपके अच्छे फ्रेंड्स, आपके अच्छे बहन भाई, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, पॉजिटिव थिंकर्स को अपने सराउंडिंग में रखें. नेगेटिव घर में रह रहे होंगे ना, तो जो मैंने पिछले सारे पॉइंट्स बताए हैं, ट्राई टू डू. होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिली होगी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जिस पे आप परेशान होंगे, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि क्या करें, तो बहुत से का आंसर मिल गया होगा. एंड मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिए और पॉजिटिव रहें. डोंट थिंक नेगेटिव, डोंट गेट अपसेट अबाउट द थिंग्स जो आपके बस में नहीं है. जो आपके बस में है उनको आप सही कर सकते हैं, जो आपके बस में नहीं है वो आपको, आप जितने परेशान हो जाए आप उसको नहीं सही कर सकते. सो ट्राई टू बी पॉजिटिव. जो आपके बस में नहीं है उसको इग्नोर कर दें, उसको लेट गो कर दें, और अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छे से खुश गुजारें, ताकि जब आपका माइंड सेट पॉजिटिव होगा तो आपके बच्चे भी पॉजिटिव होंगे, आपके बच्चे, आपके घर का माहौल वो भी पॉजिटिव होगा.
सो खैरियत था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आते तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।